नमस्कार दर्शकों, आज से करीब 9000 साल पहले त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था, जो कि विष्णु भगवान के सातवें अवतार माने जाते हैं। आपको बता दें, भगवान विष्णु के छठे अवतार का नाम भी राम ही था, लेकिन जब भगवान शिव ने उन्हें अपना शस्त्र पशु पदार्थ दिया तो उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान श्री राम के बारे में अक्सर यह सवाल उठाता है कि दशरथ के पुत्र भगवान राम एक इंसान थे, तो एक इंसान कैसे इस सृष्टि का कर्ता धर्ता हो सकता है। और यह भी प्रश्न उठता है, अगर भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था तो इससे पहले के लोग युग सतयुग में राम नाम का जाप क्यों और कैसे करते थे? क्या सतयुग में भी कोई राम नाम के भगवान थे? जब भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था तो फिर दुनिया के आरंभ से ही भगवान श्री राम को हिंदुओं का भगवान क्यों माना जाता है? क्या कोई इंसान भगवान या ईश्वर हो सकता है? दर्शकों, मीरा बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थीं, तो मीरा ने ये क्यों कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जबकि उन्हें तो यह कहना चाहिए था कि पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। आखिर मीराबाई ने भी राम का ही नाम क्यों लिया? आखिर असली कौन है वो भगवान राम जिन्हें अधिकतर लोग नहीं जानते हैं? आइए आज की प्रस्तुति जानते हैं। राम एक ऐसा पवित्र शब्द है जो हर हिंदू की आत्मा से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पर अभी अज्ञानता छा गई है, जिसका लाभ कई विधर्मी और विरोधी लोग सनातनियों की आस्था को विचलित करने के लिए करते हैं। जब कोई इंसान यह कहता है कि मैं राम को नहीं मानता और राम भगवान काल्पनिक हैं, तो इसका अर्थ और वास्तविकता यह है कि वह अज्ञानता के बहुत गहरे अंधकार में जी रहा है। वह यह जानता ही नहीं कि ईश्वर कौन है। उसे ऐसा लगता है कि ईश्वर का कोई एक खास रूप होगा और उस रूप के अलावा भगवान का कोई दूसरा रूप हो ही नहीं सकता। और ऐसे ही अज्ञानी लोग अक्सर हमें अपने जाल में फंसाने आ जाते हैं। और ऐसा ही हुआ जब संत कबीर राम नाम का जाप कर रहे थे, तो कुछ विरोधी लोग उनके पास आए और कहने लगे कि यह क्या कर रहे हो? तो कबीर जी ने कहा कि राम नाम का जाप कर रहा हूं। फिर उन लोगों ने पूछा, अच्छा कौन से राम का भजन कर रहे हो? फिर कबीर जी बोले, राम क्या बहुत सारे हैं? तो उन लोगों कहा कि लो, इन्हें यह तो पता ही नहीं कि कौन से राम का भजन कर रहे हैं, और लग गए भजन करने, इन्हें यह भी पता नहीं कि राम कितने हैं, तो भजन करने का क्या फायदा। अब वे मन को भटकाने वाले लोग कहकर तो चले गए, लेकिन अब कबीर जी सोच में पड़ गए कि मुझे तो पता ही नहीं कि राम कई प्रकार के हैं, मुझे तो यही पता है कि राम एक ही हैं। ये दुविधा मेरे मन में डालकर पूछते हैं कि कौन से राम का नाम जपते हो, और साथ में एक दोहा भी सुनाकर चले गए कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सभी से न्यारा। अब तुम बताओ, इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? कबीर जी सोचने लगे, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो एक ही राम का नाम जानता था। अब ये लोग में मन में संशय डाल गए, लेकिन गुरु जी ने कहा था कि यदि कोई दुविधा हो तो निवारण कर लेना। तभी कबीर जी ने सोचा कि गुरु जी के पास जाकर ही इसका निवारण पूछता हूं। फिर कबीर जी अपने पहुंचे गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु को प्रणाम किया। फिर गुरु जी बोले, आओ कबीर, क्या बात है? तो कबीर जी ने कहा कि एक अजीब सी दुविधा मेरे मन को विचलित कर रही है। कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे राम का भजन करते देखकर कहने लगे कि कौन से राम का भजन कर रहे हो, तो मैंने जवाब दिया कि मैं तो एक ही राम को ही जानता हूं। क्या राम भी बहुत सारे होते हैं? तब उन लोगों ने कहा कि हां, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सभी से न्यारा। अब बताऊं, इनमें से कौन सा राम तुम्हारा और तुम कौन से राम का भजन कर रहे हो? कबीर जी की बात सुनकर गुरु जी मुस्कुराए और जोर जोर से हंसने लगे। फिर हंसकर कबीर जी से कहने लगे कि शिष्य, ऐसी बात करने वाले तुम्हारे पास एक बार नहीं, बार बार आएंगे। ऐसे लोगों का काम ही होता है तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित करना। यह दुनिया विविधतामय है, यहां अनेक प्रकार के लोग हैं। जिसकी आंखों पर जैसा चश्मा चढ़ा होता है उनको भगवान वैसे ही दिखाई देते हैं। कोई परमात्मा को ईश्वर कहता है, कोई ब्रह्म कहता है और कोई भगवान कहता है, लेकिन अलग अलग नाम से पुकारे जाने पर परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाते। सुनो कबीर, जो राम दशरथ का बेटा है वही राम घट घट में भी लेटा है। जिस राम का सब जग पसारा है वही राम सभी से न्यारा भी है। सुनो कबीर, इस दोहे में कहा गया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा
और एक राम सभी से न्यारा, पर पंक्तियों में एक राम चारों पंक्तियों में है, तो कबीर इस पंक्ति का असली अर्थ यह है कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सभी से न्यारा। जब वही राम सब जीवों के भीतर विराजमान है, तो वही राम ही सर्वव्यापक राम है। जब वही राम इस सृष्टि को पालते हैं, तो यह सब पसारा उन्हीं का है। लेकिन कबीर सृष्टि की रचना करने के बाद भी वे इस सृष्टि में फंसते नहीं हैं, इसीलिए वह सबसे न्यारे भी हैं। लेकिन जब भक्त रो रो कर उन्हें पुकारते हैं, तो वही निराकार राम साकार रूप लेकर दशरथ जी के घर प्रकट हो जाते हैं। तो कबीर, अब तुम समझ चुके होगे कि इन चारों में कोई फर्क नहीं है, यह चारों एक ही हैं। अब कबीर जी सब कुछ समझ चुके थे। फिर कबीर जी बोले कि गुरु जी, आपने यह बताकर बहुत कृपा की, अब इस बारे में मेरे मन में कभी दुविधा नहीं होगी। फिर कबीर जी वापस आकर फिर से राम नाम का जाप करने लगे। तो फिर वह लोग आए और उन्होंने देखा कि कबीर जी राम नाम का जाप कर रहे थे। फिर वे लोग सोचने लगे कि कबीर जी के मन में इतनी बड़ी दुविधा डाल गए थे, तो अब तक तो उनकी माला छूट जानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने अभी तक माला जपना छोड़ी क्यों नहीं। फिर उन लोगों ने सोचा कि थोड़ा और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। फिर उन्होंने कबीर जी से पूछा कि क्या तुम्हें पता चला कि तुम कौन से राम का नाम जप कर रहे हो, तब तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। फिर कबीर जी ने कहा कि हम आपको उत्तर अवश्य देंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। वे लोग बोले, पूछो। फिर कबीर जी बोले कि हमारे पास भी एक दोहा है, इसका उत्तर बताओ। वे लोग बोले, क्या दोहा है आपका। फिर कबीर जी ने कहा, एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का, और एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो बता जरा कितने बाप हैं। कबीर दास जी का ऐसा दोहा सुनते ही वे लोग दुम दबाकर भागे। कबीर जी ने जोर से आवाज लगाकर पूछा कि बताते तो जाओ कि तुम्हारे एक बाप हैं कि चार, आशा करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि असली राम कौन है। दर्शकों, कभी भी भड़काने वालों की बातों में नहीं आना है, और अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम पर पूरा भरोसा बनाए रखना है। जय हो सनातन धर्म की, जय हो श्री राम की। कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने बाद भी अगर आपको श्री राम पर कोई शक है, तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम दुनिया के संचालक है, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही कोई हो सकता है। वह घट घट के वासी है, कण कण में बसते हैं। मुझ में भी राम, तुझ में भी राम, हर जगह बस राम ही राम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आपसे विनती है, अगर यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों को भी भेज दीजिएगा, जिससे कि हिंदू धर्म के आराध्य देव प्रभु श्री राम के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें।